मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करता हूँ। क्या चिंता का साथ है? सुबह सुबह निराश में है, स्कूल का फीस जमा करना है क्या करेंगे सोच रहे हैं, ये में जमा करना है क्या करें सोच रहे हैं, परिवार के लिए खर्चा करना क्या करेंगे, इस प्रकार चिंता है ना। पति ठीक नहीं है, बच्चे भी ठीक से काम नहीं करते हैं, मैं जरूरत के लिए क्या करूँगा, इस प्रकार चिंता करते हैं। बहुत चिंता है ना। प्रभु कहता है, हम सबसे कहता है, मेरा बेटा तुम चिंता नहीं करना है, मेरा बेटी तुम चिंता नहीं करना, किसी भी बातों के लिए चिंता नहीं करना है, खाना के लिए कपड़ा के लिए चिंता नहीं करना, किसी भी वस्तु के लिए चिंता नहीं करना। ये बातें कहकर मत्ती 6:34 में प्रभु यीशु कहता है, कल के बारे में तुम चिंता नहीं करना है। बहुत लोगों की चिंता इसी बातों में है, कल के लिए कि आने वाली बातों के लिए हम क्या करेंगे, कल की जरूरतों के लिए मैं क्या करूँगा, इस प्रकार आने वाला भविष्य के बारे में इनकी चिंता है। प्रभु कहता है, कल के बारे में क्यों चिंता है, मैंने अभी तक तुमको खाना दिया, कपड़ा दिया, सारी वस्तुएं दी है, इसके बाद भी मैं तुम्हारे लिए सारी आशीष को दूंगा, चिंता नहीं करना। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी सारी चिंताओं यीशु को पर, सारे बोझों को यीशु के चरणों के तले नीचे रख दीजिए, वो देख लेंगे आप इतना आनंदित है। कारण क्या है? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को उचित समय में सारी बातों को वो देख लेंगे। यही विश्वास है, यही मसीही जिंदगी है। कहेंगे, प्रभु जी इसके बाद मैं कभी भी चिंता नहीं करूँगा, तू मेरे लिए चिंता करता है, अभी तक सारी बातों को जरूरतों को तूने दिया है प्रभु, इसके बाद भी सारे जरूरतों को तू मेरे लिए पूरा करने वाला है, इसके बाद चिंता नहीं करूँगा, तेरे वचन में हमेशा आनंदित होऊंगा। यीशु के नाम से प्रभु, आमीन आमीन।